नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल रंग का बटन दबाइएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही बड़े खतरे से, जो बहुत ही बड़ी आपके ऊपर टेंशन है उस चीज से आपको बचा सकती है। और जो पति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा पीड़ित है, पहले तो उसने आपके साथ गलत किया, उसके बाद गलत करने के बाद जो है वो आपसे दूर हो गई, उसके बाद दूर होने के बाद आपके ऊपर कई प्रकार के उसने केसेस कर दिए, आप खुद समझ नहीं पा रहे कि अब मुझे करना है तो क्या करना है, किस तरीके से चीज़ से बचना है। तो जो केसेस पत्नी के द्वारा किए जाते हैं वो कुछ ये होते हैं, जैसे सेक्शन 498A मेंटेनेंस और DV, ये कुछ केसेस होते हैं जिनकी वजह से जो है पत्नी अपना दबाव पति पर बनाती है और पति से मनमानी चीज है जो वो चाहती है वो कराना चाहती है। इसके अलावा ऐसा कुछ पत्नियां ऐसा कहती हैं कि सर मजबूरी होती है हमारे पास में, हम अगर नहीं करेंगे तो बताइए क्या करें। तो सोचकर देखिए कि अगर आपके पास में ये आज केसेस की कानून ने आपको ताकत दी है कि आपके ऊपर अगर ऐसी चीज कोई होती है तो आप केसेस करें, और अगर सोचकर देखिए इससे कोई बड़ा कोई कानून आपको दे दिया जाता, ठीक है, तो आप सोचकर देखिए आप उस भी कानून का इस्तेमाल कर लेते, चाहे आपका परिवार खराब हो, चाहे उसमें किसी प्रकार से आपका तो जीवन खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ में जो परिवार पति का है वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन इन जो ये जो केसेस हैं इनका दुष्परिणाम जो है वो पूरी जीवन भर पड़ता है। और कुछ तो जो परिवार हैं वो कुछ समय बाद ही सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो समझदार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार झगड़ा हो गया, बिगड़ गई बातें और परिवार नहीं बन सकता है तो बेहतर है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ भी होते हैं जो कि लगातार सालों साल जीवन खराब करते हैं, अपना भी और दूसरे का भी। ऐसा ही अभी एक केस सामने आया था जिसमें कि 30 साल उसको लड़ते हुए हो गए केस में, आज बच्चे जवान हो गए, तो अब केस अब जो जो जीवन है, जो मैंने कि झगड़ा है वो अब किसी प्रकार का घर बसाने का नहीं है, अब तो ये है कि जो बच्चे हो गए उनको प्रॉपर्टी चाहिए, पिता की प्रॉपर्टी में से अगर उसको प्रॉपर्टी चाहिए तो वो अपने बच्चों को लेकर अपने पति के साथ रहती, अपने माँ बाप के या भाई के साथ क्यों रह रही है। और अगर आज प्रॉपर्टी चाहिए उसको तो अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, क्योंकि उसमें भी अधिकार है आपका, तो जब आपका अधिकार पिता की प्रॉपर्टी में है तो प्रॉपर्टी पिता की प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दिलाइए। जरूरी क्या है उस पति की प्रॉपर्टी जिसके साथ में आप रही ही नहीं, सिर्फ आपने बच्चे किए और बच्चे करने के बाद आप अपने मायके आ गई, और मायके आने के बाद पूरा बर्डन पूरा भार जो भी था वो अपने अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ दिया, अपने भाई के ऊपर डाल दिया। सोच कर देखिए ना कि वो भाई भी क्या सोचता होगा कि मेरी कैसी बहन है जो मतलब बच्चे उच्चे कर कर आगे और मेरे घर वापस आ गई, जिसको कि मैंने इतना पैसा खर्च करके मैंने पति ढूंढकर बर ढूंढकर उसको दिया था और वो आज निभा नहीं पाई और आज मेरे सर वापस आ गई। तो हालांकि कोई भाई या पिता कोई कहेगा नहीं, सबको अपनी औलाद प्यारी होती है, लेकिन कुछ इंसान को सोचना चाहिए कि जिस घर में मेरी शादी हो गई है उस घर में मुझे रहना चाहिए। अब जैसा भी है, बेकार है, खराब है, जैसा भी है उसको वहीं पर संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन पत्नी क्या करती है, आज के टाइम में झगड़ा करके अपने मायके चली जाती हैं और वहां पर जाके अपने माता पिता को झूठी कहानी बताती हैं कि मेरा पति मारता है, मेरा पति मुझसे दहेज मांगता है। अगर माँ बाप समझदार होते हैं, माँ बाप हालांकि माँ बाप वैसे बच्चे जैसे बताते हैं, जैसे उनकी बेटी उनको बताती है, वो मान लेते हैं चलो ठीक है, लेकिन अगर उससे सवाल पूछने लगे कि मारते हैं, अच्छा मारते क्यों मारते हैं, क्या कारण है उसका, तो वो कहेगी दहेज मांगते हैं। दहेज मांगते हैं तो फिर क्यों, जो दोनों परिवार हैं, दोनों पति पत्नी हैं, उनको बिठाकर आपस में समझौता कराया जाए कि दहेज का क्या मतलब है, मैटर है, अब आपकी शादी हो गई है। हालांकि कुछ बेकार गलत पुरुष भी होते हैं जिनकी मतलब नीयत खराब होती है, लेकिन कुछ पत्नियां भी ऐसी हैं, ज्यादातर केसेस आज के टाइम में देखने को मिल रहे हैं कि पत्नियां जो है वो अपने पति पर झूठे केसेस करने के बाद वो अननेसेसरी वो को नाजायज दबाव बनाना चाहती हैं, अपने पति और अपने सास ससुर से अपनी मनमानी चीजों को करवाना चाहती है, क्योंकि वो सोचती है कि अब मेरा दबदबा चले, मेरी बात चले, मेरा ही कहना माना जाए घर में और किसी का नहीं। तो ऐसी कुछ होती हैं महिलाएं जो अपने पति पर गलत मतलब मिसयूज करते हुए लॉ का वो उसको करती हैं। तो बहरहाल आज की जो वीडियो है, जैसे मान लो पति पत्नी का झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद केसेस स्टार्ट होते हैं, तो जिसमें सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस जो है वो ये करती है महिला मेंटेनेंस का, क्योंकि घर पर रह रही है तो अब ये नहीं बताती है कि वो मैं मतलब अपनी ही गलतियों की वजह से रह रही हूँ, मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, मैंने ही उस पर केस कर दिए, मैंने अगर थोड़ा बहुत सहन कर लेती तो हो सकता था कि वो वहीं पर रहती और आज उसका जीवन अच्छा होता, आज वो अपने माँ बाप के सहारे पर है, माँ बाप भी कब तक देखेंगे उसको, एक न एक दिन समय समय आएगा जो ताने उसको ससुराल में मिलते थे वो ऐसा नहीं है मायके में ना मिलते होंगे,
मायके में भी मिलते हैं, चाहे भाई के द्वारा, चाहे भाभी के द्वारा, चाहे पिता के द्वारा, चाहे माँ के द्वारा। आज आपको प्यार दे रहे हैं वो, कल को कुछ उनको भी गुस्सा आएगा, तो गुस्से में इंसान बोलता है, कहता है कि अगर तो इतनी अच्छी होती तो अपने पति के घर पे होती, हमारे घर के हमारे सर पे क्यों पड़ी होती। तो हर व्यक्ति जो है वो समय के अनुसार कुछ ना कुछ बोल देता है। आप ये सोचें कि ससुराल में मुझे कुछ सुनने को मतलब मुझसे कह रहे हैं, मायके में नहीं मिलेगा, तो आप प्यार के कारण मायके में भाग के आ जाते हैं, लेकिन वो आपका असली घर नहीं है। अगर सही माँ बाप होंगे तो उनको समझाएंगे अपनी बेटी को कि बेटा तेरी खुशी, हमारी खुशी, हमारे परिवार की सबकी खुशी और दूसरे परिवार की भी खुशी इसमें है कि तुम्हें वहीं रहना चाहिए। लेकिन कुछ माँ बाप जो है उसको अपने प्यार में और दुलार में उसको उसका जीवन भी खराब कर देते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है बेटी है वो गलत है वो, तो फिर उसको समझाते नहीं है, उसको ना अपनी बेटी को समझाते हैं, जैसे उसने झूठी कहानी तुम्हारे उन्होंने बता दी आप वैसे ही चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि आप दोनों को समझाएं, बैठाएं, बताएं कि देखो आगे आने वाले परिणाम गलत होंगे। और केस करना सबसे बड़ी जो बुराई है वही होती है कि केस सबसे पहले करते हैं। शादी हुई, कोई झगड़ा हुआ, कोई भी झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, उसके बाद जो सबसे पहले केस करते हैं, चाहे वो पति एक बार को ये सोचता हो कि चलो ठीक है अभी मतलब झगड़ा हो गया है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी तो मैं वापस ले आऊंगा, लेकिन उसी दौरान पर वो जो पति के ऊपर जो है वो कई प्रकार के केस पत्नी डाल देती है, तो जो उसका मन होता है थोड़ा बहुत लाइन वापस लाने का या साथ रखने का या साथ रहने का, वो भी हट जाता है, क्योंकि अब जो है वो परिवार को झूठा बता दिया जाता है ज्यादातर केस। और ये मैं ही नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं और जो वकील हैं वो भी हैं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो कमेंट करती है कि सर आप पत्नियों के खिलाफ बनाते हैं, आपको मालूम नहीं है कितनी महिलाएं झेलती हैं। तो देखिए मैं एक अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर एक व्यक्ति आज के टाइम में पुरुष के पक्ष में है और महिला के खिलाफ है। क्यों है वो? क्योंकि उसमें वाकई कहीं ना नाजायज तरीके से उसको फंसाया जाता है पति को, और पति को तो क्या पति के परिवार को भी फंसाया जाता है। और ऐसी महिलाएं जिन जो कि अपने पति पर झूठा केस करती हैं और झूठे उसको उस उसको उनकी चीजों में फंसाती हैं, वो आज नहीं पूरे जीवन भर नरक भोगती हैं। और ये सच है, ये हालांकि कुछ महिलाओं को बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा लगने से पहले ना इस वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं पुरुषों के, उन कमेंटों को भी आप पढ़ें। कमेंट्स को पढ़ने के बाद तब एनालाइज करें कि वाकई महिलाएं गलत कर रही हैं। 100 में से 1 महिला हो सकती है कि जिसके साथ वाकई गलत हो रहा हो, लेकिन 99 जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ गलत कर रही हैं। बहरहाल ये चीजें आप बाद में रहते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके ऊपर पत्नी ने मेंटेनेंस कर दिया है और आपसे नाजायज मेंटेनेंस की मांग की जा रही है, और अब आपके ऊपर हो सकता है कि केसेस जो है अभी डाला हो केस मेंटेनेंस का सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत, या फिर पहले से कोई चल रहा हो केस जिसमें कि मेंटेनेंस लागू कर दिया गया, ये दोनों के लिए वीडियो है कि मेंटेनेंस बांध दिया गया है पत्नी पति कोर्ट के द्वारा पति पति के ऊपर। तो अब जरूरी है कि हम अगर देखिए कोई भी पति अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहेगा, लेकिन अगर किसी प्रकार से वो नहीं रखना चाह रहा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर है, उस कारण को ढूंढा जाए। अगर पति पत्नी दोनों चाहते हैं समझौता हो जाए, परिवार में किसी तरीके से बातें बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तो देखिए मेंटेनेंस का केस आप करते हैं। आज बहुत सारी चीजें हैं जो बचाव में हैं, और मेंटेनेंस का केस जो है वो उसके बाद जो है पति बच भी जाता है, लेकिन बस जरूरी है कि उसको एक राइट डायरेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि वो केस लड़ रहा है लेकिन लड़ कहाँ रहा है, उसको एक राइट डायरेक्शन होना जरूरी है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके आपके ऊपर कोर्ट ने कोई मेंटेनेंस बांध दिया गया है या फिर अभी केस किया है तो आपको बचना कैसे है? हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो मस्तिष्क है, जो आपको मेंटली टॉर्चर हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा राहत मिले और आपको एक नई दिशा मिले कि जिससे कि आपको आज ये मालूम पता चल जाए कि अगर मेरी पत्नी ने मेरे पर मेंटेनेंस कर दिया है तो मुझे भी बचने का अधिकार है, मैं भी बच सकता हूँ, मुझे भी ये अधिकार दिया गया कि मैं मेंटेनेंस उसको ना दूँ। तो कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जिनकी वजह से कि आप जो है बहुत जो मेंटेनेंस आपके ऊपर बांध दिया गया या फिर बांधने की प्रक्रिया चल रही है उसके उसको आपको बचना कैसे है, उसको आपको कोर्ट के द्वारा स्टे कैसे कराना है, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो चीज़ें बता रहा हूँ आपके लिए कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं कि जैसे मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा बांध दिया जाता है, लोअर कोर्ट के द्वारा दो प्रकार से बांध दिया जाता है। एक तो यह है कि जो अगर आप कोर्ट में गए तो कंटेस्टेड होगा, यानी कि आपकी भी बात सुनी जाएंगी और दोनों को सुनते हुए जो रीजनेबल मेंटेनेंस होगा वो कोर्ट के द्वारा बांधा जाएगा। यहां पर और भी चीजें हैं, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, लेकिन पहले इन चीजें बताता हूँ। दूसरा जो है वो एक्स पार्टी होता है, यानी कि अगर आप कोर्ट में नहीं गए तो
तो पत्नी ने लगातार उसमें हियरिंग करी और उसके बाद जो है वो कोर्ट के द्वारा जो एक्स पार्टी में जो भी मेंटेनेंस उसको लगा रीजनेबल लगा उसको उसने आपके ऊपर बांध दिया। दो तरीके से आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा। अब इसमें आपको स्टे कैसे लेना है? देखिए कुछ जो है जो परिवार हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक ना ही तो कोर्ट कचहरी देखा ना उनको उनको मालूम कानून की चीज़ें क्या होती हैं, तो इस वजह से वो डर के जो है मेंटेनेंस जैसे ही बनता है वैसे ही वो देना शुरू करते हैं, जो कि एक गलत है। क्योंकि अब अगर आपको देखिए पत्नी पे बच्चा है और आप देना चाहते हैं वाकई वॉलंटरी तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको बचना है तो आप बचने के भी बहुत ज़्यादा मतलब रास्ते हैं, जिसमें कि अगर देखिए कोर्ट ने जो भी मेंटेनेंस चाहे कंटेस्टेड हो चाहे एक्स पार्टी हो कैसे भी बांधा है, उसके बाद पत्नी जो है वो दूसरा एक केस करेगी रिकवरी का केस। रिकवरी का मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि रिकवरी का जो ज्यूरिडिक्शन है वो उस कोर्ट के पास नहीं होता जिस कोर्ट से बांधा जाता है, ये कलेक्टर के द्वारा रिकवर किया जाता है, जो कि कोर्ट को भी बताना पड़ता है वरना कोर्ट आपके सीधे वारंट इशू करेगा और हो सकता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन अब जो है जैसे जैसे ही मतलब रिकवरी वारंट आपके पास में आएगा आप इस वारंट के खिलाफ जाएं, अगर आपके पास एक्स पार्टी आपका ऑर्डर कर दिया गया है तो आप ये ना कहें कि सर मुझे सुना ही नहीं गया, मेरे बिना सुने इसको ऑर्डर को कर दिया गया। आप जो भी मतलब ऑर्डर जो वारंट हुआ है मतलब मेंटेनेंस को रिकवर करने के लिए जो वारंट हुआ है उस वारंट के खिलाफ जाएं सेक्शन 482 में 482 में, यानी कि सीआरपीसी के तहत में, यानी कि आप ये कहें कि सर जो मेंटेनेंस बना गया है या जो वारंट इशू किया गया है वो मेरे खिलाफ गलत है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंस है जिसमें कि वाकई जो पत्नी है जो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, उसके लिए आप कौन कौन से ग्राउंड ले सकते हैं जिससे कि आपके जो आप सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत आप हाई कोर्ट में गए हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उसके द्वारा थ्रू जो है कोर्ट कोर्ट को ये कन्विंस करेंगे कि आपकी पत्नी जो है वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है। कुछ और भी ग्राउंड है मैं आपको सारे बताता हूँ। सबसे पहला ये जैसे आप ये प्रूफ करेंगे कि पत्नी जो है वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, अब क्या कारण है क्या नहीं है आपका डिस्प्यूट अपना है या फिर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कुछ गलत आरोप लगाए हैं या फिर वो जानबूझ के अपने मायके में रहना चाहती है या फिर कोई और भी चीज़ है, ठीक है, तो वो आपको कन्विंस करना पड़ेगा कोर्ट को कि वाकई जो पत्नी जो है वॉलंटरी अपने यहाँ रह रही है और आपके साथ रहना नहीं चाहती है। दूसरा, पत्नी किसी और के साथ में शारीरिक संबंध बना चुकी है या फिर एडल्ट्री में है वो, या किसी के साथ में रह चुकी है पहले या फिर अभी भी रह रही है, तो ये इसके आपके पास में ग्राउंड आपके पास में एविडेंस होना चाहिए, चाहे फोटो हो वीडियो हो ऑडियो हो। अगर ऑडियो, कुछ लोग ये कहते हैं सर कि ऑडियो जो है वो मतलब कोर्ट में नहीं सुनी जाती, ऐसा नहीं है, कोर्ट में सुना जाता है कोर्ट को भी, लेकिन उसको नैरेट करना होता है, आपको नैरेट आप करेंगे तभी उस चीज़ को आपको देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आप सीडी या फिर कोई पेन ड्राइव वगैरह देंगे जिसमें कि कोर्ट जो आपको उनको सुनेगा, ऐसा नहीं है, आप उसको नैरेट करें। नैरेट का मतलब कि वो एक्सप्लेन करें ऑन द पेपर, मतलब जिससे कि कोड जो वो सीधे उसको पढ़ ले और उसकी कॉपी यानी कि वो सीडी में दे सकते हैं आप या फिर पेन ड्राइव में दे सकते हैं उसको आप दें, जिससे कि आपको उस ऑडियो को सुना जाए जिसमें कि पता लगे कि वाकई पत्नी के जो वो किसी और के साथ में नाजायज संबंध हैं, या फिर फोटो या फिर वीडियो, ये भी आप चीज़ें उसमें लगा सकते हैं जिससे कि अपनी बात को प्रूव कर सकें। तीसरा ग्राउंड ये है, जिससे पहला ग्राउंड मैंने आपको बताया, तीसरा ग्राउंड ये है कि आपकी पत्नी के जो है वो किसी प्रकार से वो डिसीज है, बीमारी है उसको, ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से हो सकता है कि वो आपको भी फैल जाए, हो सकता है कि वो किसी कभी भी किसी प्रकार से आपके साथ जो फिजिकल ना बना रही हो, ऐसे भी कई ग्राउंड होते हैं जिनकी वजह से जो है वो पत्नियाँ जो है वो मतलब पति जो है वो उसको अलग कर देते हैं। तो ऐसे अगर आपके पास में कोई ग्राउंड है या फिर कोई मेंटली डिसीज है उसको, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है, तो उसके भी आपको कोई कोई मेडिकल या डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिससे आप प्रूफ कर सकें कि सर ये जो अलग रहने का कारण है वो ये कारण है। तो कोर्ट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा जिससे कि कोर्ट जो है वो उस वारंट पर स्टे कर सके। जब कोर्ट स्टे कर देगी तो फिर आपको को ना ही तो मेंटेनेंस देने की जरूरत है और ना ही कहीं किसी प्रकार से उस केस को लड़ने की आवश्यकता है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो इसमें जो जानकारी दी गई वो अच्छी लगी हो। दूसरा, अगर आपको कोई और भी मुझे इससे जानकारी लेनी है तो आप हमारा दिए हुए नंबर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करें। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।